Hey guys, what's up? It's your friend Jordan Jazz. You know, Oscar movies का season आ चुका है तो definitely अब लोग Oscar movies जाके देखेंगे ही, क्योंकि हमें तो भैया इतना पता रहता नहीं है कि कौन सी मूवी आई थी कौन सी मूवी नहीं आई थी। और जो ये जो ऑस्कर थी, ये ऑस्कर वालों की वजह से हमें पता चलता है कि इतनी वर्ल्ड क्लास क्लासिक मूवीज भी डायरेक्ट हो रही है, वरना इतना वो सब मूवीज इतना हाईली प्रमोटेड नहीं होती और कुछ ही मूवीज के बारे में हम अवेयर होते हैं। ऐसी ऑस्कर मूवी के बारे में मुझे कल पता चला जिसका नाम है अनदर राउंड। अनदर राउंड एक डैनिश मूवी है जिसका डैनिश नाम है ड्रक, और ड्रक का डैनिश का मतलब है बिंज ड्रिंकिंग। इट इज डायरेक्टेड बाय थॉमस विंटरबर्ग एंड स्टार्स मैड्स मिकेलसन। और ये मूवी को काफी ऑस्कर और बैफ्टा अवार्ड मिल चुका है इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बेस्ट फीचर फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आइए आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरी, और बताऊंगा मैं आपको इस मूवी में क्या था अच्छा और क्या था बेकार। सो बेसिकली ये मूवी है चार स्कूल टीचर्स के बारे में, और वो प्ले कर रहे हैं मैड्स मिकेलसन एज मार्टिन, ये एक हिस्ट्री टीचर है। थॉमस बो लार्सन एज टॉमी, ये स्पोर्ट्स गेम्स और पीटी टीचर है। लार्स रैंथे एज पीटर, ये म्यूजिक टीचर हैं। और मैग्नस मिलोंग एज निकोलाज, ये साइकोलॉजी टीचर हैं। सो ये चार लोगों की जो लाइफ है वो काफी बोरिंग चल रही है, और लाइफ में एकदम भी मजा नहीं आ रहा है, और अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं। लाइफ में फन मस्ती धमाल कुछ नहीं बचा है, मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और इनकी एज अराउंड 40 अराउंड आसपास है। बट निकोलाज का 48 बर्थडे वाले दिन ये सब लोग मिलते हैं और ये अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और ये एक फेमस कह सकते हैं इंसान है फिन स्कारडेरड। उनकी एक थ्योरी है कि ब्लड अल्कोहलिक कंटेंट जब 0.005% होता है तो आदमी और एंथुजियास्टिक और क्रिएटिव और रिलैक्स फील करता है, और तो अगले जब ये सब बातें हो जाती है, नेक्स्ट दिन मार्टिन जब स्कूल जाते हैं वो अपने साथ एक स्मिर्नॉफ बॉटल लिए रहते हैं, और स्मिर्नॉफ बॉटल वो पीते भी हैं, और अपने क्लास जब क्लास लेते रहते हैं उस वक्त भी वो पीते ड्रिंक करते रहते हैं। ये आइडिया वो जाके अपने दोस्तों को पिच करते हैं कि आई ड्रिंक इन क्लास और एंड इट फील्ड रियली गुड। और फिर उसके बाद ये सारे दोस्त भी सोचते हैं कि चलो क्यों ना अपनी लाइफ को ट्राई करते हैं, कुछ अल्कोहलिज्म और ये सब के ऊपर एक रिसर्च करते हैं या एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, और देखते हैं कि अल्कोहल का रिजल्ट हमारी सोशल और पर्सनल लाइफ में कैसा पड़ेगा। रिव्यू को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफी पॉइंट ऑफ टाइम से मैं कंटेंट डाल रहा हूं बट मेरे सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ रहे हैं। और एक डिस्क्लेमर की जो क्रिएटर है इस वीडियो का, इन नॉट इन एनी सेंस प्रमोट्स ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल। सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये डिस्कस करते हैं अपने आप से, ये कहते हैं कि ठीक है हम अल्कोहल को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, और दो रूल सेट करते हैं कि हमारा ब्लड अल्कोहलिक कंटेंट कभी भी 0.05 के बिलो नहीं होना चाहिए, और 8 बजे के बाद हम सब लोग ड्रिंक नहीं करेंगे, ये रूल्स सेट करते हैं। और इसको देखते हुए जब वो इसमें घुसते हैं तो वो देखते हैं, वो काफी चेंज महसूस करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। स्कूल में स्टूडेंट्स उनको लाइक करते हैं, जिस अंदाज से वो पढ़ाने लगते हैं स्टूडेंट्स भी उनके फैन हो जाते हैं, और पर्सनल लाइफ में भी उन सब की काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। बट धीरे धीरे हर चीज को कोई अगर आप एक्सेस मात्रा में लोगे तो उसका दुष्परिणाम भी होता है, और वो अल्कोहल जो होता है वो आगे चल के वो सारे दोस्त अल्कोहलिक्स बनने लगते हैं और अल्कोहल एडिक्ट बनने लगते हैं, और उसका उनके लाइफ में एक ड्रास्टिक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जो मार्टिन है उनके बच्चे कहते हैं कि अपने डैड से, एक दिन मार्टिन क्या कहते हैं रास्ते में पड़े रहते हैं, पी के टल्ली रहते हैं, बेहोश रहते हैं, उनके बच्चे आके उनको ले जाते हैं घर, और तब उनकी वाइफ से उनका झगड़ा होता है, क्योंकि उनकी वाइफ कुछ टाइम से उनसे काफी डिस्टेंट थी, और फिर उनकी वाइफ उन्हें छोड़ इस आदत की वजह से भी और उनको छोड़ के चली जाती है किसी और के लिए। सो ये सब चीजें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, और सारे दोस्तों के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, और जो टॉमी जी थे थॉमस बो लार्सन, वो एक दिन स्कूल में आते हैं ड्रंक होके, सारे टीचर्स के सामने स्टाफ रूम में एक ड्रामा क्रिएट हो जाता है, और वो काफी उनके अंदर गिल्ट आ जाता है फिर बाद में, और वो सुसाइड कर लेते हैं। ये मूवी में दिखाया नहीं गया है बट ये अज्यूम किया गया था कि वो ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ, वो अपनी बोट लेके कहीं चले जाते हैं समुंदर में और उसके बाद वो वापस ही नहीं आते और फिर उसके बाद इन सारे इंसिडेंट के बाद ये सारे मेन जो है ये ड्रिंक करना क्विट कर देते हैं, और साथ में ही उनकी लाइफ में फिर ड्रास्टिक चेंज आता है, सब सोबर होते हैं, और एंड में क्या होता है कि मार्टिन भाई साहब की वाइफ उनके पास वापस आ जाती है और
कहती है कि आई मिस यू टू। और एंड में ये सब जो अपने स्टूडेंट्स हैं इनका जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है उसमें ये सब लोग फिर एक लास्ट टाइम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं और चिल करते हैं और कह सकते हैं खुशी मनाते हैं और लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। बट बेसिकली ये मूवी जो थी, लाइक आई वॉन्ट टू से दैट इट्स अ प्रिटी वन टाइम वॉच, और एक बार अगर आपको देखना हो तो ये देख सकते हो। और सम सीन्स इन पर्टिकुलर जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, लाइक क्लब सीन में मैड्स मिकेलसन जी का जो सीन है जिसमें वो ब्रेक डाउन करते हैं, अपने दोस्तों को अपनी सिचुएशन बताते टाइम उनके आंख से जो आंसू आता है, इट वॉज रियली इमोशनल सीन। नेक्स्ट सीन जो है कि जो निकोलाज है उनके घर में तीन बच्चे हैं और तीनों बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और वो सुसु करने से पहले, पी करने से पहले अपने पिता को बताते नहीं, दे पी ऑन हिम और ये उनको वेट कर देते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट सीन वो है कि टॉमी जो है वो छोटे बच्चों को जब फुटबॉल की कोचिंग दे रहे होते हैं, कुछ इमोशनल एक लाइक अ फादर फिगर वो सब बच्चों को कोच कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फुटबॉल के लिए, प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में अपने सिपर से ड्रिंक भी करते जा रहे हैं। पीटर एक लड़का सेबेस्टियन है वो काफी नर्वस रहता है एग्जाम्स को लेके, तो उसे एनकरेज करते हैं कि यार अगर तुम कभी परेशान हो तो एंग्जाइटी के तौर पे एंग्जाइटी होए तुम्हें तो एक दो घूंट मार लिया करो, ज्यादा नहीं। और उससे उस लड़के का रियली कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है वाइवा के टाइम। और क्लाइमैक्स वॉज रियली ऑसम क्योंकि मैड्स मिकेलसन वॉज सो ऑसम इन द क्लाइमैक्स, वो कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, गाना बज रहा है व्हाट अ लाइफ बाय स्कारलेट प्लेजर, उस गाने पे डांस कर रहे हैं और बच्चों के साथ पार्टी कर रहे हैं क्योंकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इस मूवी में एक बहुत अच्छी लाइन थी, हम हमेशा डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में क्या हमारे टीचर्स हमें याद करेंगे जब स्कूल छूटेगा तो। और इस मूवी में एक सीन है जिसमें टीचर्स वो चार दोस्त जो कि एक स्कूल टीचर, चारों स्कूल टीचर है, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या कोई बच्चा हमें याद रखेगा जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाए, या मतलब जैसे ही वो स्कूल के बाहर जाए। सो इट वॉज अ वेरी हार्ट टचिंग सीन फॉर मी, क्योंकि ऐसे ख्याल आप मेरे दिमाग में और आई थिंक इंडिया हर बच्चों के दिमाग में के ये ख्याल आता है कि क्या टीचर और स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल तक ही टच में रहेंगे कि उसके बाद भी। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि यस इट इज अ लाइट हार्टेड मूवी जो कि एक टाइम आप वॉच कर सकते हो, और मैड्स मिकेलसन के लिए जरूर इसे वॉच करना, उन्होंने अपने लाइफ की शायद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और दिस हेड नेगेटिव के एस्पेक्ट की बात की जाऊं तो हाँ, ये मूवी थोड़ी स्लो थी, थोड़ी ड्रैग है, बट स्टिल वो ड्रैग और स्लोनेस अच्छा है इसलिए ताकि वो आप उनके सारे इमोशंस को फील कर सके। चारों ही स्टार कास्ट जो चार मेन लीड हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनके जितने भी सीन्स हैं जब वो डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल के बारे में, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, वो सारे सीन्स बहुत ही ऑसम है। सो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ वॉच। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। भैया सब्सक्राइबर बेस तो बढ़ा दो। टेक केयर गाइज।